पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बाद जहां देश भर में चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन कर उसका समर्थन किया है, वहीं राजस्थान में भी आपको बता दें कि इसका असर देखने को मिल रहा है। जयपुर से सुखद और सकारात्मक तस्वीर ये थी कि अस्पतालों में चिकित्सकों ने अपना विरोध प्रदर्शन तो जाहिर किया, लेकिन सांकेतिक तौर पर अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर चिकित्सा कार्य करते दिखे और इस दौरान चिकित्सकों ने किसी भी तरह का कार्य बहिष्कार नहीं किया और साथ ही देश भर के डॉक्टर्स को एक मैसेज भी दिया कि अन्याय का विरोध करना उचित है, लेकिन इससे मरीजों को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी भारतवर्ष के डॉक्टर एक ब्लैक डे के रूप में इसको मना रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हमारे एक साथी डॉक्टर्स के साथ जिस तरीके का एक अशोभनीय और अमानवीय व्यवहार किया गया है और आज वो मौत के मुंह में चला गया है, बल्कि मौत से जूझ रहा है। हम सब उसके लिए पहली बात तो ये प्रेयर करते हैं कि वो किसी तरह जल्दी से जल्दी ठीक होके और वापस से अपनी जनता की सेवा में आ सके। और साथ ही साथ हम पश्चिम बंगाल की सरकार की भी घोर निंदा करते हैं जिसने एक जनता की सेवा करने वाले सेवक की इस तरह से पिटाई होने के बावजूद भी अभी तक अपराधियों के प्रति किसी भी तरीके की कोई कठोर कार्रवाई नहीं करी है। इस सभी के विरोध में हम सबका दिल व्यथित है और हम सब अपना ये विरोध एक ब्लैक डे के रूप में मनाकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो हमारे